लगता है कि इससे पहले भी नहीं आए होंगे और मैं भगवान से मनाता हूं कि ये दौर आगे भी कभी नहीं आए इस धरती पर। आज लोगों का स्वार्थ का दौर आ गया है, लोभ का दौर आ गया है, अपने लालच का दौर आ गया है, अपना पराया को नहीं पहचान पाता है, ऐसा दौर आ चुका है। यहाँ पे भाई भाई को काटने के लिए आ गया, भाई भाई को लूटने के लिए आ गया, ऐसी दौर आज से 30 साल 40 साल पहले ऐसा आप नहीं देखते होंगे। कोई भूखा प्यासा अगर आपके गांव में आ गया रहता होगा तो आप उसको खाना खिलाते होंगे और सोने के लिए बैठने के लिए जगह देते होंगे। लेकिन आज का जो दौर है, अभी दूसरे प्रदेश से दूसरे गांव से कोई आ जाए तो आपको लगेगा कि ये चोर आया है, इसको अपने घर पे बैठाएंगे नहीं, खिलाएंगे नहीं और इसको सोने के लिए जगह नहीं देंगे। अगर सोने के लिए जगह देंगे तो रात में ये चोरी करके चला जाएगा। ये ऐसा दौर आ गया है। इस दौर में आपको सबसे पहले अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना है और उसको काबिल बनाना है। अगर बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो समझिए इस संसार में आपके पास दो आंख है और ये आंख देखने के लिए है, अच्छा बुरा सब चीज देख रहा है। लेकिन इस संसार में कोई लिखा हुआ चीज है उसको पढ़ने की बात हो, अगर उसके पास मान लीजिए आंख नहीं है, अंधा है, तो नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन आपके पास आंख रहते हुए आप नहीं पढ़े लिखे हैं और कोई पेपर आ जाए तो उसको आप नहीं पढ़ पाइएगा। एक नई आंख रहने वाला लोग ना पढ़ पाए तो समझ में आता है, लेकिन आपके पास आंख रहते हुए आप पढ़े लिखे नहीं है तो उस पेपर को नहीं पढ़ सकते हैं। इतना जरूरी है आज की तारीख में, आंख से भी ज्यादा जरूरी है कि आप पढ़े लिखे हो। इसलिए अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। आज माँ बाप ने हमें थोड़ा शिक्षा नहीं दिया रहता तो आज इतना बड़ा जगह पे मैं नहीं पहुंचता। आज इसलिए आपका भी सपना है कि मुकेश सहनी की जगह हमारे प्रिय बेटा पहुंचे, तो उससे पहले जरूरी है कि उस बच्चे को पढ़ाना। आज नहीं पढ़ा लिखा है तो मिनिमम काम करता है, मिट्टी काटने का काम करेगा, मछली मारने का काम करेगा, 300-400 रुपया रोज पे काम करेगा, 10,000-12,000 रुपया महीने पे काम करेगा और बहुत कठिनाई के साथ काम करेगा, बहुत परेशानी के साथ काम करेगा। और वही बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो एसी बंद कमरे में जाके कंप्यूटर पे बैठकर 25-30 हजार रुपया महीने का, कम से कम 35-30 हजार रुपए का तनख्वाह पे काम करेगा। आप बताइए जो 30 हजार रुपया महीना कमाने वाला है उसको भी खाने के लिए चावल रोटी चाहिए, और चावल रोटी चाहे वो गरीब हो या अमीर हो दोनों के लिए एक ही रेट है। और गरीब है वो 8 हजार का महीना कमाने वाला है उसको भी चावल रोटी उतना ही खाना है। और मुझे तो लगता है जो ज्यादा मेहनत करते उनको ज्यादा खाने की आवश्यकता पड़ता है, जो बंद कमरे एसी में बैठ के काम करता उनको खाने की कम आवश्यकता गिरता है क्योंकि उसका पछता नहीं है, और जो बहुत मेहनत करते हैं परिश्रम करते हैं उनको भोजन की ज्यादा आवश्यकता पड़ता है, जबकि गरीब और अमीर दोनों को ये रेट एक ही है। इसलिए बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए और आपस में भाईचारा बनाइए और अच्छे अपना और पराए का ये पहचान कराइए। इस संसार में आपके अपने लोग भी होंगे और पराए भी, और जो बहुत सारे लोग होंगे जो पराए हैं लेकिन अपना आपको बोलेंगे लेकिन सच में वो आपका अपना नहीं है। उसको अगर मौका मिले तो आपके शरीर से खून निकालकर मार्केट में बेच देगा। आज ऐसे लोग भी आपके पास है, इसको भी आपको पहचानना पड़ेगा। तो साथियों हम लोगों ने देखिए क्या किया, बहुत परिश्रम के बाद हमने सरकार बनाया, और ये हमारे अकेले का दम का नहीं है, पूरे बिहार का निषाद के 22 पूरी खून पसीना बहाया और लड़ाई लड़ा, पॉलिटिकल पार्टी बनाया, और आजादी के 75 साल के बाद ये पहली बार मौका मिला सर उठा के चलने का और बिहार विधानसभा में सरकार बनाया। हमारे पास भी ऑप्शन आया था कि आप पार्टी बदल दीजिए, आप हमारे साथ आ जाइए, डिप्टी सीएम बन जाइए, चारों विधायक को मंत्री बना देते हैं, राजपाल कोटा से 12 एमएलसी होगा जिसमें से 6 एमएलसी आपको दे देंगे और 6 माजी जी को दे देंगे, आप हमारे साथ आ जाइए। लेकिन हम निषाद के वंशज हैं, हम एकलव्य के वंशज हैं, हमने ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना चाहे, हमने बेईमानी करने का नहीं सोचा। हम चाहते तो हम पाला बदल सकते थे लेकिन हमने नहीं किया। हम एकलव्य के वंशज हैं, गौराज निषाद के वंशज हैं, महर्षि वेद व्यास जी के वर्षंश है, हम ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना चाहें।
लेकिन क्या किया आपके साथ? दोस्ती किया और आपके सहयोग से पूरे बिहार का सबसे बड़ा पार्टी बना। उसके बाद भी वो देखा एक गरीब पिछड़ा का मल्ला का बेटा जो 75 साल से आज तक हमारे जूते के नीचे दबा हुआ था। हम बोलते थे बैठो तो बैठता था, हम कहते थे उठो तो उठता था, और आज ये सरकार का हिस्सा बन गया है। आज ये चाहता है कि पूरा बिहार में जो मछली बेचने वाले लोग हैं, रोड के किनारे में मछली बेच रहा है धूप में बारिश में, इसके लिए ये बाजार बनाना चाहता है, इसके लिए सैकड़ों करोड़ रुपया खर्चा करना चाहता है। आज मैं सोचा कि पूरे बिहार में बेरोजगारी है, 10 लाख पशु लाकर उसको दिया जाए गरीब लोगों को, युवा को, ताकि उसको रोजगार मिल सके, उसके घर में खुशियां बन सके, उसके दो वक्त का रोटी हो सके। तो देखा कि ये व्यक्ति अगर इतना काम कर लेगा तो हीरो हो जाएगा, एक पिछड़ा का बेटा हीरो हो जाएगा, इसके पास अपना वोट बैंक है और पूरे बिहार के दिलों पे राज करने लगेगा। तो आज ये 11 सीट पे बात मानता है, कल ये 51 सीट मांगने लगेगा। मुकेश सहनी से तकलीफ उसको कभी भी नहीं रहा, मुकेश सहनी के समाज से तकलीफ रहा, और समाज मतलब निशा समाज, गरीब समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज, इस समाज से उनको तकलीफ रहा। मुझे तो हमेशा ऑफर देते रहा कि एक क्लब के जैसा अंगूठा कटवा लीजिए, आप आ जाइए, अपनी पार्टी विलय कर लीजिए और आप हमारे साथ मंत्री बन जाइए। अभी फिर से उनका ऑफर आया कि आप राज्यसभा बन के केंद्र में मंत्री बन जाइए, पार्टी लेकिन विलय कर दीजिए। हमने कहा भैया ये पार्टी हमारी नहीं है, ये पूरे बिहार के निषाद अति पिछड़ा जिसको उम्मीद नहीं है, उन्होंने अपने हक अधिकार के लिए उन्होंने ये पार्टी बनाया है, और उस सपना को हम कैसे बेच सकते हैं अपने स्वार्थ के लिए? अब भला हम तो हमारे हाथ में क्या था, हमारे पिताजी मछली मारते थे बेचते थे, हम उससे कई गुना ज्यादा ऊपर उठ गए, हम तो क्या कमी है जो अपने लिए मैं लड़ाई लड़ूं? अगर मेरे अपने लिए अगर जिंदगी जीना रहता तो शायद मुंबई के ऐशोराम की जिंदगी छोड़कर मैं बिहार क्यों आता? और बिहार जब मैं जिनके लिए आया हूं, जिन्होंने हमें नेता बनाया है, आज आप मुझे खरीदना चाहते हैं इसलिए क्योंकि पूरे बिहार के निषाद समाज हमारे साथ है, और जिस रोज ये समाज हमसे दूर हो जाएगा उस रोज आप हमको भाव भी नहीं दीजिएगा। आज मुकेश सहनी को क्या, आज हमारे समाज में सैकड़ों लोग हैं, उनको बना दीजिए केंद्र में मंत्री, लेकिन नहीं बनाइएगा उनको, मुकेश सहनी को बनाइएगा, क्योंकि इनके पीछे लाखों निषाद का बेटा, पिछड़ा समाज का बेटा पीछे खड़ा है। आज मुझे नहीं खरीद रहे, हमारे समाज को खरीद रहे हैं, और मैं समाज को ही हूँ आपके साथ बेचने के लिए मैं आया नहीं हूँ। नमस्कार साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने के लिए आया हूँ। लखनऊ के अंदर मात्र 600 रुपए से 1200 रुपए स्क्वायर फीट के बहुत सस्ते प्लॉट, और जिस रेंज में आप लोग चाहें और जितने क्षेत्रफल के आप लोग चाहें, चाहे 600 स्क्वायर फीट हो, 800 हो, 1000 हो, बहुत सस्ते दामों में लखनऊ के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पे फ़ोन करिए जो डिस्प्ले हो रहा है, कहीं ये मौका आप लोगों के हाथ से छूट ना जाए। और फिर मौका अगर एक बार आप लोगों के हाथ से छूट गया तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन करें। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, चैनल को प्यार और देते रहिए अपना साथ। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।